नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस कॉन्सेप्ट पे आईटी कंपनीज में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर पीएनसी के मान लीजिए 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं कंपनी में तो डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन इस पैटर्न पर मिलेगा। दोस्तों सम ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड फ्रॉम गिवन डिजिट्स, तो इसके क्या मायने हैं, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। दोस्तों डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं। कॉग्निजेंट 2017 में क्वेश्चन आया था, 60 सेकंड्स में हमको सॉल्व करना था। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल द 4-डिजिट नंबर्स फॉर्मड यूजिंग द डिजिट्स 2, 3, 4 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन। तो 2, 3, 4 एंड 5 से जितने भी 4-डिजिट नंबर्स फॉर्म होते हैं विदाउट रिपीटेशन, हमको वो नंबर्स नहीं बताने, हमको उन सारे नंबर्स का दोस्तों सम बताना है, राइट? तो क्या आप क्या करोगे दोस्तों, 4 प्लेसेस हैं, 2, 3, 4, 5 को हमको फिल करना है, टोटल 4 फैक्टोरियल नंबर्स पॉसिबल हो जाएंगे, है ना, टोटल 24 नंबर्स पॉसिबल हो जाएंगे। तो आप क्या कर लीजिए, उन पूरे 24 नंबर्स को फाइंड आउट कर लीजिए, सम कैलकुलेट कर लीजिए, हो गया क्वेश्चन खत्म। दोस्तों कम से कम 10 मिनट लगेंगे ऐसा सॉल्व करने में दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको मेथड और शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्या करने वाले हम, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आपको तो 4-डिजिट नंबर बताना, राइट? अभी तो ये दोस्तों 4-डिजिट नंबर की बात की, लेट्स से हमको कोई n-डिजिट नंबर दे दी जाती है ना, और n डिजिट्स दे दी जाती तो n फैक्टोरियल नंबर्स पॉसिबल होते, है ना, उन सारे नंबर्स का आपको सम निकालना है, तो इंडिविजुअली कैलकुलेट करते बैठते तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है ऐसे में, है ना। तो फिलहाल मैं वापस कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास 4 डिजिट्स हैं, है ना। अब मैं केवल 2, 3, 4, 5 में भी 3, 4 एंड 5 को भूल जाता हूँ, मैं 2 को लेता हूँ और 2 को मैं 100th पोजिशन पे 1000th पोजिशन पे रख देता हूँ, राइट? अब 1000th पोजिशन पे रख दिया तो जो 2 का कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा दोस्तों, 2000 होगा। मैं आपको समझाता हूँ, लेट्स से कोई नंबर मैंने ले लिया 2, 4, 3, 5 नंबर ले लिया, है ना, तो ये 2 का कंट्रीब्यूशन कितना है, 2000 है, 4 का कंट्रीब्यूशन कितना है, 400 है, 3 का कंट्रीब्यूशन कितना है, 30, और 5 का कंट्रीब्यूशन 5 है। इन चारों का आप सम करोगे तो अगेन 2, 3, 4, 5 आ जाएगा। तो जब तक 2000th ऑफ प्लेस पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन 2000 होने वाला है हर केस में, राइट? तो अब 2 को हमने 1000th प्लेस पे फिक्स कर दिया, अब बची हुई 3 places हैं, 3 digits हैं, 3, 4, 5, तो कितने numbers और possible हो जाएंगे, 3 factorial numbers और possible हो जाएंगे। तो total 3 factorial numbers ऐसे होंगे जिसमें 2 का contribution 2000 हो जाएगा, तो total 2 का contribution इस place पे कितना हो गया दोस्तों, 2000 into 3 factorial। ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या, राइट? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो और मैं क्लियर कर देता हूँ। 2 को अब हमने 100th पोजीशन पे रख दिया दोस्तों, अब 2 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 200 होने वाला है हमेशा, जैसे यहाँ पे 4 का कंट्रीब्यूशन 400 था जब ये 100th प्लेस पे थी, इसी तरीके से 2 का कंट्रीब्यूशन 200 होने वाला है। अब 2 को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, अब ये 3 प्लेसेस हैं, 3 डिजिट्स बचती है हमारे पास 3, 4 एंड 5, तो अगेन कितने नंबर्स पॉसिबल हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल नंबर्स ऐसे होंगे जहां पे 2 का कंट्रीब्यूशन 200 है, तो टोटल 2 का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 200 into 3 factorial। अब 2 को हम रख देते हैं दोस्तों 10th place पे, तो अब 2 का contribution दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और अगेन 3 factorial numbers ऐसे होंगे जिसमें 2 का contribution जो है वो 20 होगा। अब 2 को हम रख देते हैं दोस्तों 1th place पे, राइट? 1th place पे रख दिया तो 2 का contribution 2 ही होगा, और अगेन 3 factorial numbers ऐसे होंगे जहां पर 1th place पे 2 होगा दोस्तों। तो टोटल 2 का contribution कितना हो गया, इन सभी को आप सम कर दीजिए, तो अगर हम यहाँ से 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लें तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 2000 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 2 विच इज नथिंग, बट अगर आप इसको सम करोगे तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2, 2, 2, 2 आ जाएगा, ये 2 का कंट्रीब्यूशन है दोस्तों। अगर मैं इसी तरीके से 3 का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करूं तो 3 के कंट्रीब्यूशन में यहाँ पे 3000 कंट्रीब्यूट करेगा, यहाँ 300 कंट्रीब्यूट करेगा, यहाँ 30 और यहाँ 3 कंट्रीब्यूट करेगा, राइट? और 3 फैक्टोरियल नंबर्स तो सेम ही रहेंगे ना हमेशा, बिकॉज आप यहाँ पे 3 रख रहे हो, तो इन प्लेस में आप 2, 4 और 5 में कुछ भी रख सकते हो, तो 3 फैक्टोरियल नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आप 3 का कंट्रीब्यूशन निकालोगे ना दोस्तों, तो वो आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3, 3, 3, 3, आप एज अ होमवर्क कर सकते हो दोस्तों। इसी तरीके से अगर आप 4 का कॉन्ट्रीब्यूशन निकालोगे तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4, 4, 4, 4 आ जाएगा, और अगर आप 5 का कॉन्ट्रीब्यूशन निकालोगे तो 3 फैक्टोरियल इंटू 5, 5, 5, 5 आ जाएगा। तो ये सारी डिजिट्स का कंट्रीब्यूशन आ गया और यही हमारा सम निकल करके आ गया दोस्तों। देखिए आप कितना सिंपल वे में हमने कर दिया, तो एक बार दोबारा से मैं लिख देता हूँ, सम क्या आया, 3 फैक्टोरियल इंटू 2, 2, 2, 2 ये 2 का कंट्रीब्यूशन, प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 3, 3, 3, 3 ये 3 का कंट्रीब्यूशन,
प्लस 3 फैक्टोरियल इनटू 4444 ये 4 का कंट्रीब्यूशन प्लस 3 फैक्टोरियल इनटू 5555 ये 5 का कंट्रीब्यूशन दोस्तों। अब मैं क्या कह रहा हूं 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो 2222 बच गया यहां 3333 बच गया दोस्तों यहां बच गया 4444 और यहां बच गया आपका 5555 राइट। तो ये बात आप समझ पा रहे होगे तो 3 फैक्टोरियल यहां से ले लिया दोस्तों और इन सारी जगह से 1111 हमने कॉमन ले लिया तो यहां से 2 बच जाएगा मल्टीप्लाई में प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1111 बच जाएगा दोस्तों राइट। आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या। अब मैं ये बोल रहा हूं ये 3 फैक्टोरियल पता क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कितने डिजिट नंबर आपको बनाने हैं 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं 3 फैक्टोरियल है तो लेट्स से मेरे को n डिजिट नंबर्स बनाने हैं राइट n डिजिट नंबर्स बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा n माइनस 1 फैक्टोरियल कर दूंगा ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं राइट। अब ये क्या है 2 3 4 5 क्या है दोस्तों ये जो भी डिजिट्स गिवन है उन सब का आपको सम करना है तो सम ऑफ ऑल द n गिवन डिजिट्स तो जो भी n गिवन डिजिट्स होंगी उन सब का सम कर देना है दोस्तों राइट। ये बात भी क्लियर है। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है ये दोस्तों 1111 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स आ रहा है ना और 4 क्या है यहाँ पे 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो अगर हमको n डिजिट नंबर फॉर्म करना है ना तो आप इस 1111 को आप n टाइम्स लेना पड़ेगा तो आप इसको मल्टीप्लाई कर पाओगे राइट। आप इस बात को समझ पा रहे हो क्या। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई जो हमने अप्लाई कर दी। अब मैं आपको बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अब आपको क्या करना है 4 डिजिट की जगह मैं बोल रहा हूँ आपको 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और 5 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है यूजिंग डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 इन डिजिट्स का यूज करके आपको 5 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं। अब जितने भी नंबर्स हैं उन सभी का आपको क्या निकालना है सम निकालना है तो आप क्या करोगे दोस्तों 5 डिजिट नंबर है तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल हो गया इन सभी का आप सम कर दोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड मल्टीप्लाई कर दोगे इस पूरे को किससे 5 डिजिट नंबर है तो 1 कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स आएगा बिकॉज़ n डिजिट में n टाइम्स आ रहा है 1111 तो ये आपका देखिए आंसर आ गया। कितना सिंपल तरीके से दोस्तों ये फॉर्मूला या शॉर्ट ट्रिक जो है वो आपको याद रखनी है बिकॉज आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा 60 सेकंड्स भी नहीं लग रहे दोस्तों 15 सेकंड में आंसर आ रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे राइट। तो जो भी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की वो पूरा थ्योरी के फॉर्म में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है दोस्तों तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसको एक बार रीड कर सकते हो दोस्तों वही बात बताइए। देखिए n माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ ऑल n डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1111 n टाइम्स दोस्तों। तो मेरे ख्याल से मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं दोस्तों एंड दोस्तों हम पूरी टीम आपके साथ है पूरी नॉलेज की टीम आपके साथ है मैं पर्सनली आपके साथ हूँ दोस्तों और मैं आपको एक बहुत छोटा सा आज मैं आपको बात बता रहा हूँ दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ ना कि वीडियो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए आप मत कीजिए ना वीडियो को लाइक कीजिए ना कमेंट कीजिए ना शेयर कीजिए दोस्तों बट मैं आपको बोल रहा हूँ ये वीडियो मैं सुबह 4 बजे आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप देख रहे हो पूरे स्वेट कर रहा हूँ मैं एसी और फैन आपके लिए ऑफ कर रखा है जिससे आपको आवाज मेरी बिल्कुल क्लियर आए दोस्तों। दोपहर में रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी रहती है तो इसलिए रात में आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों। हमारी पूरी टीम दिन रात लगी हुई है आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आने में दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा आपसे आप वीडियो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो बट आज अपने आप से एक कमिटमेंट लेना कि जितनी भी यस सर आगे वीडियोस डालने वाले हैं वो सारी वीडियोस मैं देखूंगा या देखूंगी बिकॉज आपको ट्रिमेंडसली बेनिफिट करने वाली है वीडियोस। दोस्तों कोई भी क्वेरी हो मैं बोलता हूँ आपका काम सिर्फ पढ़ना है। क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है सर मुझे कुछ डाउट्स हैं प्लेसमेंट रिगार्डिंग डाउट्स हैं करियर रिगार्डिंग डाउट है आप बिल्कुल हमको फॉलो कर सकते हो। आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो आप नॉलेज गेट के भी सोशल अकाउंट्स पे आप मुझसे रीच कर सकते हो दोस्तों सोशल अकाउंट्स को फॉलो करके टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करके हमारी पूरी टीम आपके साथ है तो जो भी डाउट्स हैं आप बिल्कुल हमसे पूछिए हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे दोस्तों। बस पढ़ते रहिए और वीडियोस देखते रहिए दोस्तों राइट। यहाँ पर क्विज मेंशन कर दिया दोस्तों तो क्विज को आप सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है दोस्तों कमिटमेंट हमको लाना है और हमको बेस्ट बनना है अपना है ना। तो अभी तक आपने बाकी वीडियोस पिछली 27 क्विजेस आपने सॉल्व नहीं किए तो प्लीज उनको भी सॉल्व कर लीजिए पिछली सारी वीडियोस देख डालिए और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।